अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 43 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने कलर लुकअप्स को स्टडी करना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और इसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमारे पास ये कुछ एक इमेज ओपन है और इमेज ओपन करके अब सिंपल हमें जो हमारा टेबल है वो हम इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट में और ये हमारे पास कलर लुकअप का पैनल ओपन हो जाएगा। और बेसिकली कलर लुकअप या कलर लुकअप टेबल्स हमें बेसिकली किसी पिक्चर का कलर चेंज करने के लिए, कलर ग्रेडिंग करने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए या फिर उसे कोई नया सा कलर देने के लिए हम कलर लुकअप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इजीली फिर हम किसी भी वीडियोस में किसी यानी इमेज में अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं और उसे एक नया लुक दे सकते हैं। सिंपल उसके लिए हम कलर लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले कलर लुकअप के हम प्रीसेट्स खुद से कैसे बनाते हैं, अगर आप देखें यहाँ इमेज में एडजस्टमेंट और फिर कलर लुकअप, तो ये आपको कुछ इस तरह का एक पैनल इसका मिलता है। अब इस पैनल में आपको सिंपल देखें यहाँ पे आपको इसके ये तमाम तर प्रीसेट्स बने हुए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट्स अप्लाई करवा सकते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल यहाँ इस तरह से आप यहाँ से इन सबको देख लीजिएगा कि जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो सिंपल मैं अभी इन प्रीसेट्स को अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी आपको ये हम प्रीसेट्स किसी तरह के बनाते कैसे हैं वो भी आपको सिखाऊंगा और उसके लिए मैं इन प्रीसेट्स को तो अप्लाई नहीं करवाऊंगा। सिंपल आप यहां से अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको अभी के लिए यहां से कैंसिल कर दूंगा या रीसेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम इसे कैंसिल करेंगे और अब हम अपना एक कलर लुकअप टेबल्स का प्रीसेट बनाएंगे और उसको फिर अप्लाई कैसे करवाते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप वहाँ से प्रीसेट्स बने हुए मिलते हैं, आप अप्लाई करवा सकते हैं और इसमें मेन जो काम होता है वो अपने प्रीसेट्स बनाने और उनको अप्लाई करवाना होता है। तो इसके लिए मेरे पास ये इमेज ओपन है, अब इसके ऊपर मैं कुछ चेंजिंग्स करूँगा। मैं यहाँ से फिल क्रिएट फिल न्यू लेयर पे जाऊंगा और यहां से मैं इस पे ग्रेडियंट मैप अप्लाई करवाता हूं। अपने ग्रेडियंट मैप कोई अच्छा सा यानी अप्लाई करवाना है ताकि उस इमेज की लुक थोड़ी सी बेटर हो जाए। यहां से मैं पर्पल एंड ये ऑरेंज इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब इसे मैं कैंसिल करूँगा और इसकी ओपेसिटी जो है 100 पे मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इतना सा रख देता हूँ। तो अब ये मेरे पास ग्रेडियंट मैप हो गया और इसके अंदर थोड़ी बहुत और चेंजिंग करते हैं, तो इसमें मैं कर्व्स को ऐड करूँगा। अब कर्व को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे ब्राइट करूँगा, हल्का सा, ज़्यादा आपने इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, और यहाँ से थोड़ा सा इसे कंट्रास्ट दूँगा। तो सिंपल इतना सा ये इसको ब्राइट थोड़ा सा और कर देते हैं, तो ये ब्राइट और इसमें थोड़ा ये कंट्रास्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसे कैंसिल करूँगा और इसमें अब मैं थोड़ा हल्का सा लेवल्स को ऐड करूँगा। तो आप यहाँ से लेवल्स का पैनल ओपन कर सकते हैं। अब सिंपल ये ब्राइट है, अगर देखें मैं लेवल्स की क्लास में मैंने आपको बताया था अगर मैं इस जाने ले जाऊँगा तो ये हमारी पिक्चर ब्राइट होती जाएगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ब्राइट जो हिस्सा है हमारा बहुत ऊपर है और डार्क हिस्सा बहुत कम है। तो मैं इसे थोड़ा सा यानी इतना सा डार्क कर दूँगा, यानी हल्का सा डार्क करेंगे और अब मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं मैंने इसमें ग्रेडियंट मैप कर्व्स और लेवर्स ऐड किए हैं और इस पिक्चर कलर्स में थोड़ी एडजस्टमेंट की है ताकि आप एक नया सा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वो प्रीसेट बने हुए थे उसी तरह का हम प्रीसेट्स बनाएंगे। तो आप यहाँ से इसको फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट लेयर को और फिर लास्ट को सेलेक्ट करने से पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे क्लिक करेंगे तो ये तमाम तर लेयर्स इसकी सेलेक्ट हो जाएंगी और आप कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद आपको ये माइंड में आपके होना चाहिए कि ये जो लास्ट नीचे लेयर है ये हमेशा बैकग्राउंड होनी चाहिए, बैकग्राउंड लेयर होगी तभी आपका जो प्रीसेट आपने बनाया है वो एक्सपोर्ट होगा। तो सिंपल इस ये काम करने के बाद अब हम जाएंगे फाइल में और अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ये नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर लुकअप टेबल्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये
फॉर्मेट्स बता रहा है कि आपको ये किस फॉर्मेट में इसे सेव करना है। तो सिंपल आप सब पे ही क्लिक रखें, मैं क्योंकि सब पे ही क्लिक रख रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में कोई सा कलर यानी नेम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे देता हूँ पर्पल, पर्पल एंड ऑरेंज। और इसके अंदर ये जो कॉपीराइट है इसमें आप अपना नाम लिख दें, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। तो ये नाम लिख के आप यहाँ से इसके पॉइंट्स को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से आप क्वालिटी जो है मीडियम पे रखी हुई है आप इसे हाई कर देंगे। आप इसकी क्वालिटी को हाई करेंगे और अब आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप आपसे पूछेगा कि आपने किस फोल्डर में इन्हें सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने इसे डेस्कटॉप या डी फाइल में मैं इसे यानी सेव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इसे नाम दे दें, फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ वही पर्पल का, पर्पल का नेम दे के मैं इसको सेव कर लूँगा। अब ये हमारे पास कुछ इसका प्रोसेस होगा सेविंग का, और ये प्रीसेट हमारे पास फिर सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया हमारे पास। अब मैं उसी पैनल में जाऊंगा इमेज में, और ये हमारे पास इस पहले हम इसको कर लेते हैं डिलीट, ये ग्रुप को पकड़ के हम कर लेंगे डिलीट। और अब है हमारे पास ये इमेज ओपन है, तो उसके लिए मैं अब जाऊंगा इमेज में एडजस्टमेंट, और ये हमारे पास है कलर लुकअप। तो इसको मैं अप्लाई करवाने के बाद ये अब हम उसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे एडोब फोटोशॉप में। तो सिंपल आप यहाँ से ये जो ऑप्शन मिलता है आपको 3D LUT फाइल, तो आप यहां से भी अपनी जो LUT लुकअप्स होते हैं उनको अप्लाई करवा सकते हैं। यहां पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद अब आपने जहां भी सेव किया था उस फोल्डर को सिलेक्ट करें। मैंने फॉर एग्जांपल डी फाइल में सिलेक्ट किया था और ये पर्पल क्यूब आ गया। तो सिंपल इसको मैं यहां से क्लिक करूंगा और इसको लोड करूंगा। लोड करने के बाद अब हमारे पास जो वो प्रीसेट्स होता है वो सिंपल उसी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें अब मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब आप देखें जो हमने इसमें चेंजिंग्स की थी, जैसे हमने ग्रेडियंट मैप अप्लाई करवाया उसमें कलर्स ऐड किए, लेवल्स ऐड किए, तो वो कितनी लेयर्स बन गई थी। तो अब आप देखते हैं प्रीसेट्स हमने अप्लाई करवाया तो सिंपल एक ही लेयर पे वो प्रीसेट अप्लाई हो गया। कलर लुकअप का बेसिकली ये काम होता है, हम कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन के लिए कलर लुकअप टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।